गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीपी गुप्ता, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आपको आज कोर्स कोड CE 302 का यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक दैट इज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एक टेबल है और ये IS 800 की 2007 की टेबल है। ये पेज नंबर 31 या 29 के आसपास होना चाहिए। तो इसके अंदर ये बताया गया है, देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लिमिट स्टेट डिज़ाइन में दो तरीके से अप्लाई की थी। मैंने बताया था, एक मटेरियल पे अप्लाई की थी और एक हमने लोड पे अप्लाई की। तो जो लोड पे अप्लाई की, उस लोड पर जो हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं उसके लिए ये टेबल है। लेकिन इस टेबल को बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ नॉमनक्लेचर्स हैं, जैसे DL का मतलब डेड लोड, LL का मतलब इम्पोज्ड और लाइव लोड, WL मतलब विंड लोड, CL मतलब क्रेन लोड, दैट मे बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यानी क्रेन लोड या तो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अब आप कहेंगे साहब क्रेन लोड हॉरिजॉन्टल कैसे हो सकता है, क्रेन तो जमीन से नीचे से उठाती है। जो हमारी गेंट्री गर्डर्स होती हैं वो गेंट्री गर्डर्स पर हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए क्रेन लोड को हॉरिजॉन्टल भी कंसिडर करते हैं। एक्सीडेंटल लोड, एक्सीडेंटल लोड किसी भी स्टील स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी किसी भी एक्सीडेंट की कंडीशन में कोई भी वेट ऊपर से गिरा तो उसको एक्सीडेंटल लोड बोल सकते हैं। इरेक्शन लोड मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर में जब हम कोई चीज़ खड़ी करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ये तो चलिए स्टील की बात है, मैं आपको समझाने की दृष्टि से कि इरेक्शन लोड क्या होता है। सपोज करिए आप एक मकान बना रहे हैं, उस मकान के अंदर आप उसकी ग्राउंड फ्लोर की छत आप डाल चुके हैं और आप फर्स्ट फ्लोर की छत डालने वाले हैं। तो जब आप फर्स्ट फ्लोर की छत डालेंगे तो जो आप प्रॉप्स यानी बल्लियां जो लगाते हैं वो ग्राउंड फ्लोर की छत पे खड़ी करते हैं। तो साहब एक बात बताइए मुझे कि जो फर्स्ट फ्लोर की छत के नीचे शटरिंग लगी हुई है और वो जिस बल्ली पे टिकी हुई है, वो बल्ली किस पे टिकी हुई है? ग्राउंड फ्लोर की छत पे। तो ग्राउंड फ्लोर की छत पर आपने जो लाइव लोड पकड़ा था, क्या उसमें ये कंसिडर किया था कि बल्लियां भी कभी इसके ऊपर खड़ी हो सकती हैं और इसके ऊपर इतना लोड आ सकता है? तो इस तरह का लोड इरेक्शन लोड कहलाता है। और EL मतलब अर्थक्वेक लोड। तो देखिए हम कभी भी डिज़ाइन जब करते हैं, हालांकि मैं मानता हूं कि आप लोगों के लेवल पर ये डिज़ाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन समझने की दृष्टि से आपको आइडिया होना चाहिए कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। देखिए समझने की दृष्टि से हम जब भी कभी डिज़ाइन करते हैं तो किसी भी स्ट्रक्चर में जो जो भी पॉसिबल फोर्सेस आ सकते हैं उन सब पॉसिबल फोर्सेस के आने का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं और सभी कॉम्बिनेशंस में हम ये देखते हैं कि सबसे खराब स्थिति या सबसे वर्स्ट कंडीशन या सबसे खतरनाक लोड कौन से कॉम्बिनेशन में पैदा हो रहा है, उस कॉम्बिनेशन के लिए हम उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। आई थिंक मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो उसी कॉम्बिनेशन के दौरान ये जो कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कॉम्बिनेशन हमने यहां पर लिए हैं। ये लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ है, ये DL डेड लोड लाइव लोड, ये आपका WL मैंने आपको बता दिया अभी, विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड। यहां एक मजेदार बात देखिए, अगर आप यहां पर कॉम्बिनेशंस देखें तो हमने इस कॉम्बिनेशन के अंदर डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड लिया है। सेकंड कॉम्बिनेशन में डेड लोड, लाइव लोड, क्रेन लोड और विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड लिया है। तो यहां बताने लायक ये बात है, इससे भी नेक्स्ट में डेड लोड प्लस विंड लोड ऑब्लिक अर्थक्वेक लोड लिया है। यानी कहने का मतलब ये है, हमारा IS 800 ये कहता है कि जब भी कभी आप लोड्स का कॉम्बिनेशन पकड़ेंगे तो उस कॉम्बिनेशन में अगर अर्थक्वेक लोड ले रहे हैं तो विंड लोड को नेग्लेक्ट करेंगे और अगर विंड लोड ले रहे हैं तो अर्थक्वेक लोड को नेग्लेक्ट करेंगे। यानी दोनों में से एट ए टाइम दोनों लोड शामिल नहीं कर सकते हैं आप कॉम्बिनेशन में, कोई एक लोड ही कंसिडर आपको करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से ये जो आपको दे रखी है वैल्यूज इन सब के अंदर, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको ये बताती हैं कि जब मैं डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड का कॉम्बिनेशन लूंगा तो उसके अंदर लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए तो मैं डेड लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, लाइव लोड को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा और अगर मैं क्रेन लोड लेता हूं तो उसको 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरीके से लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के अगर मैं ले चेक करता हूं तो तीनों को मैं 1:1 से चेक मल्टीप्लाई करूंगा, तीनों लोड्स को अलग अलग। ठीक इसी तरीके से ये पूरी की पूरी टेबल दी हुई है, इस पूरी टेबल के अंदर 5 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। तो हम करते क्या है कि जब भी हम डिजाइन करते हैं तो इन सारे कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके हम ये देखते हैं कि किस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा
खतरनाक लोड पैदा हुए, और जिस कॉम्बिनेशन में सबसे खतरनाक लोड पैदा होते हैं, यानी जिस कॉम्बिनेशन में हमें सबसे वर्स्ट कंडीशन मिलती है, उस कॉम्बिनेशन ऑफ लोड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये पूरी की पूरी टेबल IS-800-2007 की जो है आपको ये बताती है कि ये हम करें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड्स के लिए किस तरीके से लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।